दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ऐसा स्क्रब, ऐसा फेस पैक, ऐसी चीज जो बहुत ही बेनिफिशियल है, आपकी स्किन को ठंडक देगी, स्किन को गोरा बनाएगी, आप चिक एरिया को बहुत ही शाइनी और ग्लोसी बनाएगी। अगर आपके चेहरे पे, स्किन पे पिगमेंटेशन हो गया है, इस एरिया में बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेशन है, ब्लैक है यहाँ पे स्किन आपकी, यू नो कई बार क्या होता है हमारा ये एरिया बहुत ही ब्लैक हो जाता है, तो उस चीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो दोस्तों आज की रेमेडी बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही बेनिफिशियल है। तीन चार चीजों की मदद से ही हमने इस रेमेडी को बनाना है और इस रेमेडी को हमने वीक में 2 से 3 बार करना है। जब अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन जैसे ही समर्स और स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि गर्मी और बढ़ती जाएगी, तो आप इसे हर रोज भी यूज कर सकते हैं, लाइक एक DIY वीडियो है। लेकिन गाइज आप इसे अपनी आइस क्यूब ट्रे लीजिए और उसके अंदर पूरा फिलअप कर लीजिएगा। इसे हर रोज एक एक आइस क्यूब लेकर दिन में 2 बार भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट आता है, बहुत ही ग्लोइंग ग्लोसी स्किन हो जाएगी। सीरियसली आप एक बार ट्राई करके जरूर देखें, अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें इसे और अपने नेक पे अप्लाई करें, पिगमेंटेशन टैन का नामो निशान मिट जाएगा। एंड इसके अलावा दोस्तों चेहरे पे जो दाग धब्बे है ना मोटे मोटे, वो भी चले जाएंगे। तो इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ और देखते हैं इस रेमेडी को हमें कैसे तैयार करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हम लेंगे 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन को हेल्दी बनाती है, सॉफ्ट स्मूथ रखती है और इसके साथ साथ ये हमारी स्किन को टाइट और ब्राइट भी बनाती है। तो 1 चम्मच मैं इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी का डालूंगी और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी बीट रूट जूस, यानी कि 1 चम्मच या फिर आप उतना डालें ताकि इसका एक पेस्ट बन सके। आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है दोस्तों, आप थोड़ा सा इसमें और भी डाल सकते हैं। और दोस्तों कुछ बूंदे मैं इसके अंदर डालूंगी टी ट्री ऑयल की। टी ट्री ऑयल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है स्किन पे, अगर ऑयल आ गया है उसे रिमूव करने में टी ट्री ऑयल हमारी बहुत मदद करता है। तो इसकी मैंने कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर मिक्स कर दी हैं, आप देख सकते हैं, और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारे चेहरे पे जो एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके। अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए। जिनके फेस पे दाग धब्बे पिगमेंटेशन है उसे रिमूव करने में भी टी ट्री ऑयल हमारी बहुत हेल्प करता है, स्किन को स्मूथ सॉफ्ट बनाता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आप इसे यूज़ ज़रूर कीजिए, इससे आपकी जो ड्राइनेस है फेस की वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो स्किन को सप्पल बनाने के लिए टी ट्री ऑयल हमारी बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से इसे किसी डिब्बी में या फिर आइस क्यूब जो ट्रे है उसमें रख सकते हैं और हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि ये जम जाए। और जब ये जम जाएगा उसको निकाल के बताती हूँ मैं आपको ये किस तरह से बन जाएगा और कैसे हमने इसे यूज़ करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद ये कुछ इस तरह से बन गया है और इसे मैं पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। दोस्तों मैं इसे पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी। ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं इसे पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। तो इसमें मैंने टी ट्री ऑयल डाला है जो मेरे स्किन के एक्ने पिंपल्स को रिमूव करेगा, चेहरे के दाग धब्बों को ख़त्म करेगा। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन, दोस्तों आपने इसे पूरा ड्राई नहीं होने देना है, जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए तो आपने इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए ठंडे पानी से धो लेना है। सो गाइज मुझे इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा लगा, दिल कर रहा है बार बार स्किन को टच करूं। बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ और बहुत ही क्लीन स्किन हो गई है, पिगमेंटेशन और जो सन टैन है वो आराम से रिमूव हो जाएगा, स्किन के लिए बहुत ही परफेक्ट है। प्लीज इसे एक बार ट्राई करके जरूर मुझे इसका रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा फेस पैक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राई करें। आइस क्यूब ट्रे के अंदर बहुत सारी टिकड़ियां बन जाएंगी, तो अपने घर पे सभी को आप फैला दीजिए सभी की स्किन, ताकि पिगमेंटेशन और टैन जो है उनके फेस पे से रिमूव हो सके। एंड गाइस इसे बनाए अगर कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं हो गई तो मेरी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कीजिएगा, और अपनी रेमेडी और अपने जो भी ट्राई किया है प्लीज मुझे एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी भेज सकते हैं। वीडियो के एंड में अपने सभी व्यूअर्स के साथ मैं वो जरूर शेयर करूंगी। एंड कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट, कोई भी चीज पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछें, क्योंकि आजकल मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा रहती हूँ। एंड गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि कोई भी बेनिफिशियल वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। एक्चुअली विंकल अभी कार्टून देख रही है तो इसलिए वो बहुत ज्यादा हंस रही है। सो गाइस अभी मैं नई वीडियो के साथ आपको मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।